नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन सन नेचर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों एंजल फिश ब्रीडिंग के ऊपर। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है जहां पे मैंने एंजल फिश का केयर के बारे में बताया था आप लोगों को। आज बात करूंगा एंजल फिश का जो ब्रीडिंग नेचर है, ब्रीडिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। ब्रीडिंग से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जब आप फिश खरीदेंगे तो आप लोगों को 6 to 8 फिशेस मिनिमम खरीदना है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्यों मैंने तब कहा था और क्या एडवांटेज आपको उसके साथ मिल सकता है। उसी के साथ थोड़ा बहुत ब्रीडिंग रिलेटेड जो क्रिटिकल थिंग्स है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों एंजल फिश के बारे में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा आप लोगों को, एंजल फिश को आप जब खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए जुवेनाइल खरीदने के लिए, छोटा खरीदने के लिए। एक तो पैसा कम खर्चा लगता है, दूसरा आपके टैंक में वो बड़ा हो रहा है तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसको नेचर के बारे में, आपके टैंक के बारे में सब कुछ पता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। अचानक से बड़ा पेयर को लेके आप अगर छोड़ेंगे तो आपका टैंक का जो स्केप है उसके साथ उसको एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिसके वजह से आपको कहा था कि छोटा ले लीजिए। अब छोटा फिश जो लेके आएंगे आप वो यूजुअली टाइम लेता है 6 से 8 महीना एडल्टहुड को रीच करने के लिए। जैसे आप मतलब जब लिए हैं तब से लेके 6 से 8 महीना मैं कहूंगा इंतजार करने के लिए। पता नहीं जब आप खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी कितना महीना ओल्ड है वो, तो ये पता करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिसके वजह से आप लोगों को 6 से 8 महीना वेट करना है और वेट करने के बाद आप देखिएगा। मैंने कहा था आप लोगों को कि इसका मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो जब ये एडल्टहुड को पहुंच जाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो मेल आएगा मेल का जो फोरहेड सेक्शन रहेगा, जो आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है हेड में, वहां पे आप लोगों को बंप दिखेगा। उसी के साथ दूसरा इसका और एक चीज है जो आप देखते हैं कि नीचे की तरफ जो फिन्स जाते हैं वहां पे एक फोक टाइप का दिखेगा अगर मेल होगा तो, फीमेल होगा तो सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये सारे देख के या फिर अगर ब्रीडिंग कर रहा है, अगर एग ले करने का टाइम आ जाए तो ब्रीडिंग ट्यूब निकलेगा। जो फीमेल होगा उसका ब्रीडिंग ट्यूब काफी लंबा होगा, जो मेल होगा उसका ब्रीडिंग ट्यूब छोटा होगा। तो ये सब देख के आप लोगों को मेल और फीमेल का डिफरेंस पता चलेगा। अब बात करते हैं कि ब्रीडिंग का नेचर कैसे होता है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो फिश है ये पेयर फॉर्म कर रहा है या ब्रीडिंग के आसपास जा रहा है। तो उसके लिए आपको जो 6 से 8 आपके पास एंजल फिश है, देखिएगा दो फिश जो है पूरी तरह से अपने आप को सेपरेट कर लेगा, पूरा ग्रुप से अलग रहेगा, एक कॉर्नर पे रहेगा, ज्यादातर टाइम कोशिश करेगा एक अपना जोन डिफाइन करने के लिए और दूसरे फिश के साथ कभी कभार लड़ना भी चालू करेगा। जो मेल होगा, अगर आपके टैंक में जो 6 से 8 आप लाए थे वहां पे मेल और भी है, मतलब एक से ज्यादा मेल है, तो मेल जो है दूसरे मेल को चेस करेगा और अपना टेरिटरी डिफाइन करने का कोशिश करेगा। उस मामले में अगर आपका टैंक छोटा है तो वहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों में से एक फिश को हटा लेना पड़ेगा या फिर अदर फिशेस को हटा लेना पड़ेगा। या तो पेयर को हटा लीजिए या तो बाकी सारे जो फिश है उसको हटा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये गलती मैंने भी किया है, तो काफी सारे मछली मेरा मर भी चुके हैं इसके वजह से। और ये जब लड़ाई करता है तब बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे का पूरा फिन्स खा जाते हैं, फिर उसको नोच देते हैं, फिर वहां से ब्लीडिंग होना चालू होता है, फिर फंगस प्रॉब्लम होता है, फिर काफी सारे फिश मर भी जाते हैं। तो जिसके वजह से इनिशियल स्टेज पे जब आपको दिखे कि दोनों लड़ रहे हैं तो इमीडिएटली उसको सेपरेट कर दीजिए। दूसरा जो यहाँ पे एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम लोगों को आता है, अगर आपको दो फिश को लिपलॉक सिचुएशन में दिखे तो कभी भी मत सोचिए कि वो प्यार कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, उसको सेपरेट कर दीजिए, वही बेहतर है, ठीक है। अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो बाद में जाके और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये चीजों को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि मेरा एंजल फिश जो है एडल्टहुड को रीच कर चुका है और पेयर फॉर्म कर लिया है। पेयर अगर फॉर्म करेगा तो पेयर फॉर्म करने के बाद आप इसको दूसरे एक टैंक में, सेपरेट टैंक में आप रख दीजिए, कुछ एक लेइंग स्लेट वगैरह आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह का पीवीसी पाइप भी आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर वो एक ले करते हैं। और एक चीज दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि अगर आपका पेरेंट फिश के साथ आप एक को ले नहीं, मतलब एक को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बेबीज बचा नहीं पा रहे हैं, तो उस मामले में किस तरह से आप अपना बेबीज को हैच कर सकते हैं एक से।
दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पेरेंट्स के साथ भी किस तरह से आप अपना जो एंजल फिश का बेबीज है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आपका एग्स हैच नहीं हो रहा है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपना एग्स को खा जाते हैं, तो वो सारे मामलों में आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने देखा है कि एंजल फिश जो होता है उसको फर्स्ट 7 to 8 टाइम्स जो एग ले करते हैं वो खा जाते हैं, और उसके बाद ही वो अपना बेबीज को किस तरह से केयर करना पड़ता है वगैरह वो सब सीखते हैं। तो अगर आपका एंजल फिश नया ब्रीड करना चालू किया है और एग्स को वगैरह खा रहे हैं तो उसको लेके ज्यादा सोचिए मत, वो दरअसल इनिशियल स्टेज पे है, उसको अभी भी पता नहीं है किस तरह से एग्स को केयर वगैरह करना पड़ता है। इनिशियल 7-8 टाइम तक अगर खा लेता है तो ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि खा रहे हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो एंजल है, जैसा कि मैं कह रहा था आप लोगों को कि ये एंजल एग ले कर चुकी है, तो ये एग ऑलमोस्ट लाइक ज्यादा देर नहीं हुआ है, 1 घंटा पहले ही एग ले कर किए हैं ये। तो ये एग्स को हम लोग अभी हैच करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एग ले नहीं कर रही है अभी एंजल, अभी इसका ये ले कर चुकी है ऑलरेडी, लेकिन ये जो अपना फिन्स फैनिंग कर रहा है अपना एग्स को, ताकि एग्स में अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले, वहां पर कोई कॉन्टेमिनेशन ना हो। तो ये आप देख रहे हैं ये व्हाइट वाला मेल है और ब्लैक वाला फीमेल है, तो ये बारी बारी जाके इस तरह से फैनिंग करता रहेगा जब तक कि ये विग्लर्स बन के नीचे ना गिर जाए या उसका एग से बच्चे बाहर ना निकल जाए। अभी मैं क्या करूंगा आर्टिफिशियली हैच करने के लिए, ये जो पाइप है आप देख सकते हैं एक पीवीसी पाइप है ये दरअसल। तो पहले आप देखेंगे जो आपका जो एंजल है, ये एंजल थोड़ा बहुत पाइप को क्लीनिंग करेगा। तो जब आपका एंजल पाइप को क्लीनिंग कर रहा है तब आपको समझ जाना चाहिए कि अभी ये 2-4 दिनों में एग ले करेंगे। तो वो पाइप को क्लीनिंग करने के बाद जो फीमेल है, फीमेल 2-1 बार ड्राई रन करेगा, मतलब कि एग नहीं निकलेगा, बट पाइप के इधर से पाइप को जैसे आप देख रहे हैं अभी फिलहाल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से 2-3 बार जाएगा और उसके बाद एक एक करके एग ले करेगी। अब ये एग ले करने के लिए 1 से 1.5 घंटा टाइम तक लग सकता है, और पहले फीमेल जो है फीमेल एग ले करती है, उसके बाद जो मेल है मेल उसको फिर जाके फर्टिलाइज करता है। अब जो एग फर्टिलाइज हुआ है वो बिल्कुल सही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो ब्लैक दिख रहा है उसमें से एक देखिए आपको व्हाइट दिखेगा, ये जो एक व्हाइट है ये दरअसल अनफर्टिलाइज्ड एग है, और ये एग जो है ये एग खराब हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये पाइप जो है ये पाइप को निकाल के एक दूसरे जगह पे एग्स को हैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक इस तरह का कंटेनर लिया है, ये कंटेनर में मैंने फ्रेश स्टोर्ड वाटर रखा है, ये एक्वेरियम का पानी नहीं है। एक्वेरियम का पानी दरअसल आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक्वेरियम का पानी अगर आप यूज करेंगे, क्योंकि काफी हद तक कभी कभी क्या होता है कि आपका एक्वेरियम का पानी चेंज करने का वक्त आता है और तभी जाके ये एंजल्स एग ले कर देती है, अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपका एक्वेरियम का पानी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो या फंगस वगैरह हो तो आपका एग खराब हो जाने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए मैंने कोई यहाँ पे चांस नहीं लिया, मैंने यहाँ पे क्या किया है प्लेन स्टोर्ड वाटर मैंने इस बकेट पे लिया है। अब बकेट में जगह कम है मुझे पता है, बट ये बकेट में जो बेबीज है वो बेबीज को मैं ग्रो नहीं करूंगा, इस पे मैं बस अपना जो एक है एक को हैच करवाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर रूम टेम्परेचर पे मेरा वाटर रखा हुआ है, मैं इसमें कोई भी हीटर वगैरह यूज नहीं करूंगा, बट मुझे एक चीज यूज करना पड़ेगा वो है ये मिस्टर ब्लू दवाई, मिस्टर ब्लू जो के मिथाइल ब्लू है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको खरीद सकते हैं, बहुत ही मतलब लेस एक्सपेंसिव है ये। ये दरअसल क्या करता है, ये दरअसल एग्स है, एग्स को कोई भी फंगस लगने से बचाता है। अब इसके जगह पे ये अगर आप देंगे तो आप देख सकते हैं जो बकेट है बकेट में थोड़ा बहुत ब्लू कलर आप साइड में देख पाएंगे। तो ये दरअसल लास्ट टाइम मैंने जो ट्राई किया था 2 महीना पहले, तो उस टाइम पे ये कलर आ गया था, और यहाँ पे आप कुछ भी कीजिएगा तो आपको ये आना ही आना है। ये आप देख रहे हैं पानी में थोड़ा गिरा है ड्राई पाउडर जो कि ड्राई हो गया था और वो थोड़ा थोड़ा ब्लू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं, बस 3 ड्रॉप देंगे। अगर आप चाहे तो हाइड्रोजन परोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परोक्साइड क्योंकि ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाता है
तो जिसके वजह से आप लोगों को 3 से 4 बार ड्रॉप करना पड़ सकता है 12 घंटा छोड़ छोड़ के। बट मिथाइल अगर आप ब्लू दे रहे हैं तो मिथाइल ब्लू एक बार देने से काफी रहेगा, इसके ज्यादा और देने का जरूरत नहीं है। अभी इसको हम लोग मिक्स करेंगे, इस तरह का कोई भी स्पून या फिर कोई भी चीज लेके आप इस तरह से इसको स्टेयर कर सकते हैं ताकि पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि पानी का पूरा जो है थोड़ा ब्लूइश टाइप का कलर आएगा, क्योंकि मेरा येलो बकेट है तो जिसके वजह से आप लोगों को ये ग्रीन दिखेगा। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें और एक चीज का जरूरत है, ये एग्स जो है, एग्स को अगर आप अभी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट उसमें फंगस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। जो फिश आपका कर रहा है फैनिंग, वो सेम चीज आपको आर्टिफिशियली अभी क्रिएट करना है। तो आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से एक ईयर स्टोन लेंगे और ईयर स्टोन को हम लोग इस तरह से नीचे डाल देंगे। आप देख सकते हैं, ये दरअसल मैं बस इजी हो जाए हैंडल करने के लिए इसके लिए ये ब्लू स्टिक को लगाया हुआ हूं, और इसके नीचे एक ब्लैक लावा रॉक टाई किया हुआ है रबर बैंड से, ताकि नीचे से ये उठ ना जाए, बार बार फ्लोट ना हो जाए। तो ये इस तरह से मैं रखूंगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो फ्लो है, ये फ्लो को ज्यादा फ्लो, इसको ज्यादा फ्लो मत दीजिए, साथ ही साथ में एकदम कम फ्लो भी मत दीजिए। इसको हम लोगों को एग के जस्ट नीचे रखना है, ताकि एग के ऊपर से ये बबल होते हुए आए। उससे क्या होगा कि आपका एग्स जो है, एग्स को हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन और वाटर फ्लो मिलता रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, जो एग्स है एग्स को निकाल के इसमें डाल देंगे बकेट में। मैं आप लोगों को ये करके दिखा, तो चलिए इसको उठा लेते हैं। ओप्स। अब देख रहे हैं कि फिश किस तरह से जंप कर रहा है। ज्यादा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये एग्स को अभी के अभी खा जाएंगे। तो हम लोग और ज्यादा इसको थोड़ा इसको भगा देंगे और फिर जो एग है इसको इस तरह से उठा के। दोस्तों मैंने यहाँ पे वाटर फ्लो को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, जो हवा का स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि जो भी एग्स है, दरअसल ये बबल्स अगर आपका एग को डायरेक्टली हिट ना भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्स जहां पे है उसका सराउंडिंग्स का जो वाटर है, वो वाटर में आपको कंटिन्यूअस फ्लो रहना चाहिए, मतलब कि उस वाटर में हमेशा ऑक्सीजन इनफ रहना चाहिए। तो जिसके वजह से आपको ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों आज सेकेंड डे है, मैंने अभी ये ईयर जो पंप है, ईयर पंप को बंद किया है ताकि ये वीडियो ले सकूं, बट आप लोग देख सकते हैं ये आज ये सेकेंड डे है और एग्स जो है बिल्कुल सही है। जो एक दो व्हाइट स्पॉट आप देख रहे हैं, दरअसल ये सारे एग्स जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स है, जो कि खराब हो चुके हैं, और ये बाकी जो येलो टाइप का एग है ये सारे सही है, ये सारे अभी भी मतलब हैचिंग नहीं हुआ है, अभी और टाइम लगेगा, एक दो दिन टाइम लगेगा, तब तक ये विगलर्स निकल के बाहर आएंगे। तो दोस्तों आज है डे टू का स्टेटस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये यहाँ पे ऑलरेडी बबल्स चल रहा है, एक बार बबल्स को थोड़ा ऑफ करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एग का स्टेटस क्या है, और आज हम इस बकेट में पानी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्स जैसे थे वैसे ही है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी भी। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एग्स जो है एकदम बिल्कुल सही है, कुछ एक दो बीच में आप लोगों को व्हाइट दिखेगा जो कि अनफर्टिलाइज्ड है, अदरवाइज बाकी जो एग्स है सारे एग्स सही है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे कोई भी एग्स अभी तक फॉल नहीं किया है, हालांकि इतना जोर से वाटर बबल्स चल रहा है, बट स्टिल ये काफी स्टिकी होता है। तो चलिए वाटर चेंज कर लेते हैं इसका, और इस बार हम लोग वाटर में कोई भी मिथाइल ब्लू वगैरह कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, प्लेन वाटर चेंज करेंगे जस्ट। तो दोस्तों एक बकेट पे मैंने फ्रेश वाटर लिया है, स्टोर्ड वाटर, और नीचे एक पत्थर से पाइप को बस दबा दिया है। काफी सिंपल सेटअप है, ज्यादा कुछ नहीं, बट वाटर चेंज आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो एग्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, और एग्स डिस्टर्ब होगा तो वो खराब हो जाएंगे फिर। तो एक चेयर पे मैंने थोड़ा ऊंचाई करके इसको रखा है, और साइफन प्रोसेस के जरिए हम लोग इसका वाटर चेंज कर रहे हैं। ये देखिए पाइप आ रहा है,
तो हम लोग इस तरह से वाटर चेंज करेंगे इसका। तो इस तरह से हम लोग ऑलमोस्ट लाइक हाफ बकेट जो वाटर है वाटर रिप्लेस कर देंगे, तो पानी का कलर भी ग्रीन से थोड़ा व्हाइट इस टाइप का आ जाएगा। और साथ ही साथ में जितना देर जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ये प्रोसेस करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपका एग्स अभी बिना एयर बबल्स का है तो वो रिस्की है। लेकिन यूजुअली मैंने देखा है 30 मिनट्स के आसपास के अंदर अगर आप वाटर चेंज कर पाएंगे तो वो सबसे बेहतर रहता है। तो इस तरह से हम लोग वाटर चेंज करेंगे जब तक बेबीज हैच ना हो जाए तब तक। जब बेबीज हैच हो जाएंगे तब हम लोगों को दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो मैं कुछ ही देर में आप लोगों को दिखाऊंगा। यूजुअली मुझे लगेगा कुछ दिन, बट आप लोगों के लिए कुछ सेकंड्स के बाद। तो दोस्तों ये हम लोगों का वाटर चेंज हो गया है और इसी तरह से हम लोग और एक दो दिन करेंगे, उतने में जो एग है एग्स हैच हो जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार हैच हो गया तो। 36 आवर्स के आसपास कुछ हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एग है ये बीच का एग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एग से जो फिश है फिश का टेल निकल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी फोकस नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये टेल बाहर निकला हुआ है जो कि बहुत क्विकली जो फिश है उसको हिला रहा है जो फ्राई है। यहाँ पे काफी सारे जो और एग्स है वहां पे भी टेल निकला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कुछ एग्स खराब हो चुके हैं जो कि व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं वो खराब हो चुके हैं, बट बाकी बिल्कुल सही है। मेरा एयर बबल अभी तक चल रहा था, मैं बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसको बंद किया हूं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है दोस्तों इस स्टेज को कहा जाता है विगलर। अब ये विगलर्स जो है अब तक मैंने इस मछलियों को कुछ खाना वगैरह नहीं प्रोवाइड किया, तो अभी हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। अभी धीरे धीरे ऐसा ही हालत में रहेगा पहले और फिर ये पाइप से गिर के वो नीचे चला जाएगा, फिर धीरे धीरे करके 3-4 दिन में वो फ्री स्विमिंग स्टेज में आएगा। तो जब फ्री स्विमिंग स्टेज में आएगा तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगा कि कैसा होता है। अभी धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो एग्स है ये पाइप से धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएगा। काफी सारे जो है वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, ये इतना अच्छा तो मेरे कैमरे में नहीं आ रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा। बट यहां पे आप देख सकते हैं जो विगलर्स है किस तरह से अपना पूंछ को हिला रहा है। तो एंजल जब होता है तो एंजल का फ्राइज का पहले टेल निकलता है और नीचे ये जो गोल सर्कुलर हेड आप देख रहे हैं हेड एरिया में दरअसल एक यॉक है जिससे ये जो बेबीज है ये बेबीज इनिशियली फूड मिलता है। काफी सारे जो विगलर्स से टेल हिला रहे हैं आप लोग माइन्यूटली अगर फॉलो करेंगे तो, माफ कीजिएगा इससे ज्यादा जूम करूंगा तो शायद पिक्सलेटेड हो जाएगा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, अभी काफी जूम किया है मैंने, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों आज है थर्ड डे पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बेबीज थे बेबीज ऑलमोस्ट निकल के आ चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूं आप लोगों को, मेरे कैमरे में उतना अच्छा तो नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेबीज है जो कि अभी भी पाइप में लगे हुए हैं। एक थ्रेड होता है एडेसिव ब्लू ग्लैंड होता है एक एंजल फिश का या जो भी फिश इस तरह से विगलर्स फॉर्म करते हैं उन फिशेस का, तो जिसके वजह से ये इस तरह से हैंग करके रहते हैं उस थ्रेड के सहारे। तो काफी सारे यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दो और है। सो टेल्स पूरा बाहर आ गया है जहां तक हम लोग देख रहे हैं, आंख भी फॉर्म कर गया है और जो एग्सैक था जो एग यॉक था ये एग यॉक ऑलमोस्ट लाइक अभी ये फिश फ्राइज का खाना है। फिलहाल अभी के लिए हम लोग कोई खाना नहीं देंगे। ये जो व्हाइट देख रहे हैं आप व्हाइट एग्स, ये व्हाइट एग्स खराब हो चुके हैं, तो अगर कंपेरेटिवली देखिएगा तो बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। और हालांकि ये एग्स खराब हो चुके हैं बट अगर आप क्लोजली भी देखेंगे इसमें कोई फंगस नहीं आया है, इसीलिए मैंने कहा था कि मिथाइल ब्लू डालने के लिए, क्योंकि मिथाइल ब्लू डालने से ये हो जाता है, ये फंगस नहीं आता है। दोस्तों आज फिफ्थ डे है और फिफ्थ डे में आप देख सकते हैं कि ये जो बेबीज है ये ऑलरेडी थोड़े बेबीज जो है वो फ्री स्विमिंग स्टेट में आ चुका है और आज मैं वाटर चेंज कर रहा हूं। तो ये वाटर चेंज करने का, क्योंकि अभी बेबीज सारे ऊपर आ चुके हैं, क्या होता है कि जब एंजल ब्रीडिंग करता है एंजल का बेबीज जब ये विगलर स्टेज से फ्री स्विमिंग स्टेज में जाता है तो उसको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है।
पानी के ऊपर लेवल पे। तो इस टाइम पे आप लोगों को वाटर लेवल को कम करना पड़ेगा। ये एक ईयरस्टोन यूज कर रहा हूँ ताकि बेबीज ना आ जाए, तो थोड़ा पानी पहले कम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें नया पानी ऐड करेंगे। तो दोस्तों आज सिक्स डे है और सिक्स डे में आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द बेबीज जो है वो फ्री स्विमिंग स्टेज में आ चुका है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। उसी के साथ अगर मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर आई रिलीज अ न्यू वीडियो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू वेरी सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।